नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। जैसे कि आपको पता है, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके सामने इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहा। तो आज मैं इस वीडियो में एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो उसके मैं फीचर्स बताने वाला हूँ, क्या वो 5G सपोर्टेड होगा या नहीं होगा। मैं दोस्तों इस वीडियो में हर चीज़ उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो अब मैं उस फ़ोन का नाम बता देता हूँ जिस फ़ोन की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो उस फ़ोन का नाम है मोटो जी 5G प्लस। तो मैं अपने वीडियो का फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, उसका बॉक्स कंटेंट, उसके बाद में उसके स्पेसिफिकेशन बताऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मोटरोला की तरफ से कुछ ये सामान सा आता है प्रमोशन के लिए। ये गैस कैन मिली है और एक ये फोन का डब्बा। तो गैस कैन को ओपन करते क्या मिलता है। तो इसमें सॉक्स मिलेगी मेरे को एक जोड़ी, जिसमें कि मोटो जी 5G प्लस की ब्रांडिंग है। तो इसको हम रख देते हैं। उसके बाद हम बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें फ़ोन मिलेगा। फ़ोन को साइड में करते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद हमें मैनुअल गाइड, सिम इजेक्टर, पिन मिलेगी, चार्जर मिलने वाला है, एंड में आती है टाइप सी केबल। तो अब जान लेते हैं इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इस फोन के। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ मोटो जी 5G प्लस की। तो सबसे पहले हम इसके बॉडी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। इसका जो बॉडी डिज़ाइन है, वो बैक साइड जो है वो उसको प्लास्टिक का दिया गया है। उसमें थोड़ा सा आपको अलग टेक्सचर मिलेगा। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा। इसमें आप एक सिम या एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो या दो सिम चला सकते हो एक साथ। ये दोस्तों मैं बता दूं, ये स्प्लैश रेजिस्टेंट फोन है। अब इसके कैमरे की बात करें तो आपको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख ही रहा होगा कि मैं 4 कैमरा सेटअप दिया गया है। तो इसमें आपको जो फर्स्ट कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का मिलता है, एपरेचर 1.1, जो कि वाइड एंगल कैमरा है। सेकंड जो कैमरा मिलता है वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, एपरेचर 2.2, जो कि अल्ट्रा वाइड है। थर्ड जो कैमरा मिलता है वो 5 मेगापिक्सल का है, एपरेचर 2.2, मैक्रो लेंस है। जो लास्ट कैमरा बचा वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा, जो अपर्चर 2.2, जो कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। इसमें आपको ड्यूल एलईडी फ्लैश मिलेगी। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, वर्टिकली आपको दिख रही होगी एलईडी फ्लैश। इसमें रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आपको 4K में 30fps, 1080 में 30fps और 60fps का आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 दिया गया है, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड फोन है। तो इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें दोस्तों आपको 5G का सपोर्ट भी मिलेगा। जीपीयू की बात करें तो इसमें एड्रीनो 620 दिया गया है जीपीयू, जिसमें कि आप हैवी गेम भी आप इसमें आराम से चला पाओगे। बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है। फास्ट चार्जिंग इसमें सपोर्टेड है। 20 वोल्ट का चार्जर है, जिससे कि ये बैटरी चार्ज हो पाएगी। इसमें दोस्तों आपको टाइप सी केबल मिलने वाली है और इसमें रिवर्स कनेक्टर भी दिया गया है, जिससे कि आप अपने फोन को एक तरह का पावर बैंक बना के अपने डिवाइस को चार्ज कर पाओगे। अब हम करते हैं फ्रंट की बात। इसके जो डिस्प्ले है दोस्तों, इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलने वाली है। इसमें AMOLED स्क्रीन, OLED स्क्रीन टाइप कुछ नहीं मिलने वाला। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की डिस्प्ले मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। इसके PPI की बात करें तो इसमें आपको 409 PPI दिए गए, जो कि बढ़िया है। तो दोस्तों मैं अब एक एडवांटेज बता दूं इस फ़ोन का। इसमें आपको 90Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, जिससे कि आप विदाउट लैग बड़ी बड़ी गेम भी आप खेल पाओगे आराम से। अब हम करते हैं फ्रंट कैमरे की बात। आपने इस स्क्रीन पे गौर किया हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2 पंच होल कैमरा सेटअप मिलता है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि एक सेंसर है और एक कैमरा है। मैं बता दूं दोस्तों, ये दोनों ही कैमरे हैं। इसके स्पेसिफिकेशन बताऊं तो जो फर्स्ट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि अपर्चर 2.0 है, वाइड एंगल। जो सेकंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अपर्चर 2.2 है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग आपको सिंपल 30fps के ही रिकॉर्डिंग मिलेगी 1080 में। बाकी जब कंपनी अपडेट देगी कुछ महीनों बाद, तो शायद आपको इसमें 4K का ऑप्शन मिल सकता है। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जैसे कि आपको पोको X2 में आपको मिला था, ऐसे ही इसमें आपको बायोमेट्रिक साइड में दिया गया है। इसमें बाकी आपको दोस्तों फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम करते हैं कनेक्टिविटी की बात। तो इसमें आपको वाईफाई मिलेगा, जो कि अभी तक का लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला जो हार्डवेयर है इसमें आपको दिया गया है। ड्यूल बैंड आपको वाईफाई मिलने वाला है। हॉटस्पॉट मिलेगा, जो कि 5 Hz तक आप इसको यूज कर पाओगे। ये ब्लूटूथ की बात करें तो इसमें 5.1 अभी तक का लेटेस्ट मिलने वाला है। GPS की बात करें तो इसमें आपको GPS अवेलेबल है। ग्लोनेस, गैलीलियो, BDS, LTE, EPP,
SUPL जैसी GPS टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलने वाले, जिससे कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट GPS आपको मिलने वाला है। NFC की बात करें तो इसमें आपको NFC, अभी इसके RAM की बात करते हैं कि आपको क्या किस किस रैम में आपको ये मिलने वाला है। दो वेरिएंट्स आपको मिलने वाले हैं, एक तो 4GB रैम 64GB इंटरनल, एक 6GB रैम 128GB इंटरनल। अब इसके कलर्स की बात करते हैं कि आपको किस किस कलर में आपको ये अवेलेबल होने वाला है। ब्लू कलर में आपको मैंने फ़ोन दिखाई दिया है, आपको ये ब्लैक में मिलेगा और शायद आपको ये व्हाइट कलर में भी आपको ये अवेलेबल हो सकता है। अब इसके रिलीज डेट की बात करते हैं कि ये रिलीज कब होगा, तो ये सितंबर के लास्ट वीक में आपको ये फोन आपको इंडिया में ये लॉन्च होगा। इसके लॉन्चिंग डेट है 25 सितंबर 2020। इसके प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन और ऊपर से 5G फोन है तो ये देखा जाए तो इसका जो प्राइस है वो 25 to 30,000 की रेंज में आपको ये मिलने वाला है। इसी के कंपैरिजन में एक और फ़ोन है जो कि सैमसंग ने लॉन्च करके है, सैमसंग A71। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने सजेशन में वीडियो डाल दिया, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हो, बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बस दोस्तों यही थे स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना कि इस फोन के आपको क्या क्या फीचर्स आपको अच्छे लगे। मुझसे कुछ और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ना तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपने मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर ले, मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बस दोस्तों ये सब था इस वीडियो में, धन्यवाद।